ये जो 6 महीना पहले या 3 महीना पहले जो भी घोषणा किया है, ये उसको 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले क्यों याद नहीं आया? दोनों सीट निकल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। सारे कार्यकर्ता हम लोग सामान्य बना करके सारे लोग काम कर रहे हैं जी, और निश्चित रूप से जीतेगा और NDA का सरकार बनेगा। महिलाओं को यहाँ भोली वाली जनताओं, महिलाओं को ठगने के लिए मैया योजना लाया, इसका टक्कर में हम लोग भी लाया गोगो दीदी योजना। उनका मैनिफेस्टो में था वो जो माने बोलता है वो करता है, वो मोदी का गारंटी है। अच्छा, तो मोदी के रोजगार की गारंटी कहाँ चली गई सर? 2 करोड़ रोजगार हर साल? नहीं, रोजगार तो हो रही है, रोजगार कैसे नहीं हो रहा है? 2 करोड़ सर हर साल मोदी जी ने कहा था। हाँ, तो 2 करोड़ रोजगार हो रही है, हर दृष्टिकोण से हो रही है, माने एक ही एंगल से नहीं हो रही है, माने हर एंगल से हो रही है। बुलेट ट्रेन आ गया है? बुलेट ट्रेन आ गया? बुलेट ट्रेन तो आया था, आया ही है। 15 लाख आए सर आपके? बात ऐसी है ना, वो टिकट मांगे थे जेएमएम से। अच्छा, तो नहीं देने के कारण वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। ओके, लेकिन पसंदीदा जेएमएम पार्टी ही है। जो 2000 से झारखंड बना, आज तक हेमंत सरकार के जैसे कोई भी योजना धरातल में नहीं ला पाए। अब यह आवास हो, मैया योजना हो, भैया और से बहुत सही योजना है जो कि चल रहे हैं और लाभ उठाए हैं गरीब जनता कि हम बता नहीं पा रहे हैं, और भी योजना होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर, मैं सुधाकर सिंह। झारखंड चुनाव के मद्देनजर पूरे कोल्हान में घूमकर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार जनता का मूड क्या है। इसी दौरान हम चक्रधरपुर में हैं और चक्रधरपुर के एक चाय की दुकान पर हैं, और चाय की दुकान पर बातचीत के दौरान हमें जदयू के जिलाध्यक्ष मिल गए हैं। जिलाध्यक्ष से समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार गठबंधन में कितने पेच हैं, गठबंधन से कैसे निकलेंगे, कैसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी नमस्कार। सर, इस बार चुनाव में गठबंधन हुई है, आप लोग ज़्यादा सीटें मांग रहे थे, बीजेपी ने 2 दिए, इस बात की कसक है क्या? इसमें कोई कसक नहीं है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व जो तय किया वो जरूर कोई सोच समझ करके तय किया है, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। कोई कसक नहीं है मुंडा जी? कसक नहीं है। अच्छा मुंडे जी, एक बात बताइए कि लगता है भाजपा जैसे कह रही है, पंच प्रण घोषणा की है और उसके बाद कह रही है कि हम सरकार भी बनाएंगे, लगता है कि हेमंत सोरेन ने इधर 6 महीनों में जो काम किया है उसकी उसको पाट पाएंगे और सरकार भाजपा की बनेगी? ये तो जब घर जलता है तब कुआं खोदने वाला काम किया है हेमंत जी ने, तो ये जो 6 महीना पहले या 3 महीना पहले जो भी घोषणा किया है, ये उसको 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले क्यों याद नहीं आया? तो कह तो रहे कि आपने कभी ED भेज दिया, कभी CBI भेज दिया, कभी काम नहीं करने दिया, भ्रष्टाचार के आरोप लगा दिए। अरे भैया, आप को जो काम के लिए जो जिम्मेवारी मिला है वो काम आप करिए ना, भ्रष्टाचारी और ED वो सेकेंडरी है। आप अपने अच्छा काम करेंगे तो निश्चित रूप से जनता आपको चुने गई, आप अगर गलत करेंगे तो जनता तो हर 5 साल में वो अपना आपका ये क्या बोलते हैं 3 साल ये क्या बोलते हैं 364 दिन आपका रहता है, 1 दिन जनता का रहता है, 1 ही दिन में आपको सुना देगा फैसला। इसलिए जनता सरपरि है, हम लोग जनता का हित का बात करते हैं और जनता के साथ रहते हैं। 2 सीटें मिली हैं, एक राजा पीटर जी हैं और एक सरयू राय जी हैं, लगता है कि दोनों सीटें जीत पाएंगे? एकदम निश्चित, दोनों सीट निकल रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है जी। सारे कार्यकर्ता हम लोग सामान्य बना करके सारे लोग काम कर रहे हैं जी, और निश्चित रूप से जीतेगा और NDA का सरकार बनेगा। NDA का सरकार भी बनेगा? एकदम निश्चित। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री तो NDA का घटक दल या विधायक दल बनेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, तबे ना होगा। अभी जीता ही नहीं है, पहले हम कैसे बनाएंगे कि कौन मुख्यमंत्री बने? दूसरे दल के लोग कहते हैं कि उनके पास तो इतने मुख्यमंत्री हैं, अपने पास घट जाता है, दूसरे दल से छीन के तोड़ के ले आते हैं। राजनीति का मतलब अब दूसरा घर में अगर अब अपना नहीं कर पाए हैं तो आप राजनीति क्यों कर रहे हैं? दूसरा घर में भी अपना लोग रहना चाहिए, उसको भी सोचिए अपना घर है, तो सबको अपना घर समझिए। एकदम वसुधैव कुटुंबकम, बस बस बस, तोड़ ताड़ के सब ले आना है। वो तो तोड़ ताड़ के नहीं, प्यार से अपनापन, तोड़ ताड़ के गुस्सा से लड़ाई झगड़ा करके किसी को हम लोग लाइन देते हैं, प्यार से वेलकम करते हैं। जनमत का अपमान नहीं करेंगे? नहीं, एकदम कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं करते हम लोग। ठीक है,
और दूसरे लोग भी हैं। सर आप अपना नाम बताएं सर। मैं रतनलाल बोधरा। रतनलाल बोधरा। बोधरा साहब चुनाव है, इस बार मतदान के मुद्दे क्या होंगे सर? इस बार भ्रष्टाचार और यहाँ झारखंड सरकार में जो काम नहीं हुई, जितने वादा किए थे युवाओं पे जी, रोजगार का और आपका फिर बेरोजगारों का भत्ता देंगे बोला, वो भी नहीं दिया। क्योंकि सरकार को ये मालूम पड़ गया कि इस बार मेरा सत्ता परिवर्तन होने वाला है, तो अंतिम समय में महिलाओं को, यहाँ भोली भाली जनता महिलाओं को ठगने के लिए मैया योजना लाया, इसका टक्कर में हम लोग भी लाया गोगो दीदी योजना। तो गोगो दीदी योजना तो चल नहीं रहा है, लोगों का कहना है कि मैया सम्मान योजना दो बार किस्त भी मिल गया है जी, तो उसका अलग से परिणाम है और आप अभी आएंगे सरकार में तब देंगे, तो इससे मुश्किल हो रही है क्या मैया योजना? देखिए ये ठगा इसलिए है कि यहाँ पिछले 11 महीने से आंगनबाड़ियों का सेविका सहायिका का वेतन नहीं मिला, पारा टीचर का नहीं मिला, आपने बिना बजट का दूसरा का पैसा का फंड आप इधर खर्चा कर दिए हैं। आप सर अपना नाम बताएं। नीतीश प्रकाश राम। नीतीश प्रकाश राम। प्रकाश जी चुनाव है, किन मुद्दों के साथ आप भी जदयू से जुड़े हुए हैं? हाँ जुड़े हुए हैं जी। किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और मतदान की अपील कर रहे हैं? बेरोजगारी जी, फिर हो गया कि ढेर सारा वैकेंसी निकलता है उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ कारण से लीक क्यों होता है जी, ये तो स्पेशल है ना जी। उसके अलावा रोड के ऊपर रोड भी बनता है हमारा कोल्हान क्षेत्र में, हो गया बहुत सारा मुद्दा है। और रोजगार की बात करें तो देश में, अगर केंद्र की बात करें, केंद्र सरकार की भी, तो वहाँ भी रोजगार के बहुत सारे वादे किए गए लेकिन ढाक के तीन पात मिला कुछ नहीं, इस पर क्या कहेंगे? गठबंधन में हैं आप लोग? हाँ हैं, जवाबदारी तो तय होनी चाहिए। गठबंधन में है जी, तो जो अभी मेरे यहाँ स्टेट में जो रहा उसको हम पहले ध्यान देंगे ना। केंद्र में बात नहीं करेंगे? केंद्र में बात अभी नहीं करेंगे। केंद्र में बात नहीं करेंगे? तो केंद्र में जो वादे थे उसमें भी बात नहीं करेंगे? उसमें बात विचार किया जाएगा, अभी तो सरकार नया नया बना है जी, क्या होता है इसके बाद 5 साल उसके पास है ना। हाँ 15 सालों से तो आप भी केंद्र में, उस पर बात नहीं करेंगे? उस पर बात करेंगे, हाँ इसके बाद ही करेंगे, झारखंड चुनाव के बाद। झारखंड चुनाव के बाद? झारखंड चुनाव के बाद। चलिए ठीक है, भ्रष्टाचार पे बात करेंगे। अच्छा मुझे बताइए कि भ्रष्टाचार के नाम पर हेमंत सोरेन को जेल हुआ लेकिन कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? देखिए किसी व्यक्ति के ऊपर सुचारू रूप से प्रमाणित नहीं होता है तो उसको बेल में लिया जाता है, प्रमाणित हो जाएगा तो फिर से जेल। अच्छा मतलब ये बेल पे हैं, जेल होगा? जेल होगा, जेल होगा। साक्ष्य हैं? साक्ष्य हैं, साक्ष्य हैं। ठीक है, ये भाजपा के पिछड़े मोर्चा का जिला अध्यक्ष। अच्छा अच्छा अच्छा, सब आज भाजपा के ही हमको मिल रहे हैं। सर किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए आज भ्रष्ट सरकार, जो जेएमएम का भ्रष्ट सरकार जी, जो आदमी को आज जो हताहत कर दिया, जो उसका मैंने इमोशनल था उसको ख़त्म कर दिया। जैसे कि मान लीजिए आपका मैंने 5 लाख नौकरी, पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट को आपका मैंने 2-5 हज़ार 7 हज़ार करके, फिर मैया योजना का घोषणा उसका मैनिफेस्टो में था कि मैंने जितने से ही हम 2,000 रुपया देंगे, लेकिन वो भी अभी मैंने 2 महीना देकर, 2-3 महीना दे करके लालीपॉप ये कर दिया। और उसमें भी आपका जो मैंने वृद्धा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन का उसका होल्ड करके ये पैसा को मैंने अभी मैया योजना में वो अभी दे रहा। अच्छा सर, तो जब बात करते हैं तो केंद्र के योजनाओं पर, केंद्र के लॉलीपॉप पर क्यों नहीं बात करते हैं? जब बात करते हैं तो हेमंत सोरेन का लॉलीपॉप और जो केंद्र सरकार देती है वो सब ठीक नहीं? केंद्र सरकार जो देती है वो वास्तविकता उजागर करते हैं, जैसे कि आपका मैंने पीएम किसान हुआ जो 2,000 रुपया, तो वो ठीक है। जैसे आपका मैंने वो घोषणा किया उनका मैनिफेस्टो में था, वो जो मैंने बोलता है वो करता है, वो मोदी का गारंटी है। अच्छा तो मोदी के रोजगार की गारंटी कहाँ चली गई सर? 2 करोड़ रोजगार हर साल? नहीं रोजगार तो हो रही है, रोजगार कैसे नहीं हो रहा है? 2 करोड़ सर हर साल मोदी जी ने कहा था? हाँ तो 2 करोड़ रोजगार हो रही है, हर दृष्टिकोण से हो रही है, मैंने एक ही एंगल से नहीं हो रही है, मैंने हर एंगल से हो रही है। 2 करोड़ रोजगार मिल रहा है? जी जी सर। कहाँ मिल रहा है? तो मिल रहा है कि जैसे मैंने अभी आपको, अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो हम तो उसमें ये है, कॉन्फिडेंस है और पूर्ण विश्वास है कि मैंने लोगों को रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है जी।
बुलेट ट्रेन आ गया है, बुलेट ट्रेन आ गया। बुलेट ट्रेन तो अब आया था, आया ही है। 15 लाख आए सर आपके? 15 लाख तो मैंने ये आपका जो ये किया मैंने प्रचार किया, ये तो प्रचार में नहीं है। 15 लाख देने के लिए कहाँ कहे थे? नहीं कहे थे, नहीं कहे थे। मोदी जी के बाद आप दूसरे आदमी हैं जो कह रहे नहीं कहे थे। आप सर नहीं बात करेंगे, आप सर नहीं बात करेंगे। इसको रोक दीजिए। चुनाव है जी, मतदान भी करेंगे जी। मतदान के मुद्दे क्या होंगे सर इस बार? मतदान के मुद्दे यहाँ की जो जनता की असुविधा को देखा जाए, जैसे स्वास्थ्य में और आपका शिक्षा में जो यहाँ असुविधा होती है, यही मुद्दे को लेकर इस बार हमारे नेताजी लड़ रहे हैं यहाँ से चुनाव। कौन नेताजी? हमारे विजय सिंह अग्रवाल। अच्छा, कौन पार्टी? निर्दलीय? निर्दलीय। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है? चंपाई सोरेन। चंपाई सोरेन भाजपा? निर्दलीय जीत के फिर भाजपा में जाएंगे ना? सुनिए जी, हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन है पसंदीदा मुख्यमंत्री? हाँ। अच्छा तो एक बात बताइए, तो मतलब निर्दलीय जीत के फिर जेएमएम में जाएंगे जी? अच्छा, जेएमएम के साथ कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। तो हेमंत सोरेन को क्यों नहीं जिता रहे हैं फिर? बात ऐसी है ना, वो टिकट मांगे थे जेएमएम से। अच्छा, तो नहीं देने के कारण वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। ओके, लेकिन पसंदीदा जेएमएम पार्टी ही है। आप सर हरा रंग का गमछा भी ओढ़े हैं, खूब बढ़िया टोपी भी लगाए हैं, तो क्या कौन है पार्टी दिल में सर? देखिए, दिल में चक्रधरपुर विधानसभा के लिए नया चेहरा और पढ़े लिखे उम्मीदवार चाह रहा है जनता जी। और यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, हाँ बहुत सब ऐसे माने असुविधा है जो कि जनता का हित का काम नहीं होता है। रोड, पुल, पुलिया तो जो है ये तो फंडिंग की बात है, ये तो बड़े बड़े ठेकेदार बड़े बड़े स्टेट से आते हैं, काम करवा लेते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि को ये सोचना है कि जन जन का कैसे विकास हो। कोई अगर असुविधा में पड़ा है, कोई किसी का इलाज का है, कोई किसी का ब्लड का है, कोई किसी का ऐसे बहुत सा असुविधा है जो कि यहाँ का जनप्रतिनिधि ये सब नहीं कर पाता है, तो नाराजगी है। हाँ, नाराजगी तो रहेगा ही। जेएमएम से? जेएमएम से नाराज नहीं है, विधायक प्रतिनिधि से नाराज है। प्रतिनिधि से नाराज है। तो अगर मतलब आपको पार्टी से नाराजगी नहीं है, व्यक्ति से नाराजगी है? व्यक्ति से नाराजगी। तो मतलब हेमंत सोरेन को पसंद करते हैं? हाँ, पसंद करते हैं। हेमंत सोरेन की योजनाएं भी पसंद करते होंगे? एक नंबर। लाभान्वित भी होंगे? हाँ। हेमंत सोरेन को अगर पूरे कार्यकाल के नाम पर नंबर देने होंगे तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 9 नंबर। तो हेमंत ने अच्छा, इतना अच्छा काम किया? हाँ जी। तो फिर हेमंत जो 2000 से झारखंड बना, आज तक हेमंत सरकार के जैसे कोई भी योजना धरातल में नहीं ला पाए। अब यह आवास हो, मैया योजना हो, भैया और से बहुत सही योजना है जो कि चल रहे हैं और लाभ उठाए हैं गरीब जनता कि हम बता नहीं पा रहे हैं। और भी योजना होंगे, जैसे बिजली बिल हुआ, कृषि बिल हुआ, केसीसी बिल हुआ, बहुत सा ऐसे ऐसे गरीब का उद्धार हुआ। तो लोगों का कहना है कि ये 6 महीने में ही नींद क्यों खुली है हेमंत सोरेन की? अरे नींद की कारण यही थी, जो कोरोना में कुछ टाइम गया, उसके बाद उसको ऐसे मैंने गलत साजिश के तौर उसको जेल में फंसाया गया है ना, उसको टाइम उतना नहीं मिलने का कारण वो योजना तो पहले से ही मूड बना लिया था कि हमको जनता को कैसे लाभान्वित करना है। तो हेमंत सोरेन पसंद है, वोट भी करेंगे और नेता के तौर पर वो पसंद है। पसंद है। ये चक्रधरपुर है और चक्रधरपुर में हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जनता का मूड क्या है, जनता का मिजाज क्या है। हालांकि जो बातचीत से समझ में आ रहा है कि जेएमएम ने जो प्रत्याशी दिया है उसका विरोध है, और जेएमएम में अगर मुख्यमंत्री के तौर पर पसंदीदा मुख्यमंत्री बात की जाए तो हेमंत सोरेन है, और हेमंत सोरेन की योजनाओं से भी खुश हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।